नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ प्रिया और हम हैं आपके डिजिटल दोस्त। प्रीति, मुझे बहुत मजा आ रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स और उनके प्रोग्राम स्ट्रिंग्स बनाने में। वाह, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर अब क्या करना है दीदी? अब तक हमने जो भी सीखा है, अब हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब तक के हमारे लर्निंग के कई सारे उपयोग देखेंगे और बनाएंगे भी। वो कैसे? अभी बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनना और समझना। मानव द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु डिजाइन कहलाता है, चाहे वो एक सुई हो या एक स्पेसशिप। अच्छा, तो इन सारी वस्तुओं का डिजाइन कैसे किया जाता है? कोई भी वस्तु डिजाइन करने के लिए हमें डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। डिजाइन थिंकिंग मतलब? किसी उदाहरण के साथ सोचते हैं। फर्ज करो कि नदी किनारे एक गांव है। गांव के सारे किसान, मछुआरे, पशुपालक और अन्य व्यवसाय नदी के जल पर निर्भर है। जब सूखा पड़ता है, सब पे बड़ी समस्या टूट पड़ती है। बताओ क्यों? बिना पानी के किसान कैसे खेत सींचेगा? उसके बाद पशु कैसे जिएंगे? मछलियाँ कहाँ से आएंगे? और पानी की कमी की वजह से ना ही अनाज उग पाएंगे और आहार की कमी होगी। आहार की कमी की वजह से रोग और भूखमरी की स्थिति आ जाएगी और फिर न टूटने वाली गरीबी और लाचारी का चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। उसी गांव में साल के कुछ महीनों में सूखा और साल के कुछ महीनों में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। बाढ़ भी कितनी हानिकारक चीज होती है। घर के घर बह जाते हैं, खेत डूब जाते हैं, पशु खो जाते हैं। इन सब के बाद फिर से घर बसाना, वहाँ सुख सुविधाओं का संस्थान बनाने में कितना समय और साधन खर्च हो जाता है। ओहो दीदी, तो उन लोगों को तो बहुत ही मुश्किल हुई होगी। काश ऐसा होता कि पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश हर रोज आती, तो ना ही बाढ़ आती ना ही सूखा पड़ता। ऐसा ही कुछ मुमकिन हुआ है पानी को बचाकर रखने वाले छोटे छोटे बांध बनाने से। जब बारिश आए तो नदियों के पानी को बांध में इकट्ठा कर रखा जा सकता है और जब सूखा पड़े तब इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनल्स के द्वारा इस पानी को दूर के गांवों तक भी पहुंचाया जा सकता है। मगर जब जोरदार बारिश हो तो बांध से पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ना जरूरी है, ताकि बांध की वजह से कोई बाढ़ न आए। ये तो काफी जोखिम भरा काम नजर आता है। बांध का काम का जोखिम भरा तो है ही और साथ में काफी विवादास्पद भी है। बड़े आकार के बांध बनाने से उस जगह के पर्यावरण और समाज की आजीविका से जुड़ी कई सारी कठिनाइयां आ जाती है। इसीलिए बांध बनाने का निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इसके बारे में तुम गूगल भी कर सकती हो। पक्का दीदी, मैं बांध से होने वाले अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में जरूर पढ़ूंगी। दीदी, जब कोई बांध बनाने जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि बांध को कब पानी छोड़ना है और कब बचा के रखना है? बढ़िया सवाल है, मगर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है बांध को कब पानी बचाना चाहिए? जब सूखा पड़ जाए और पानी कम हो। और कब छोड़ना चाहिए? जब बारिश तेज हो और ताकि बांध ना टूटे और बाढ़ ना आए। तो क्या हम एक सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हवा में नमी की मात्रा मापकर बारिश का अनुमान लगाए और स्वचालित बांध को खोलने का आदेश दे? समझ गई। बहुत बढ़िया प्रीति, और हाँ, बधाई हो, क्योंकि हमने एक छोटा सा डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज पूरा कर लिया है। डिजाइन थिंकिंग में हम सबसे पहले सवाल करते हैं और फिर समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम पीड़ित व्यक्तियों और जीवों के साथ सहानुभूति रखकर हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हल ढूंढने के बाद हम साधनों के द्वारा हल को रूप देते हैं, उसकी रचना करते हैं, उसे बनाते हैं। अंग्रेजी में कहना हो तो अंडरस्टैंड, एम्पथाइज, थिंक, सॉल्व एंड क्रिएट। अच्छा अच्छा, पर नहीं, हमने तो कुछ क्रिएट ही नहीं किया। अब करेंगे। लेगो वीडू एलिमेंट्स को जोड़कर हम फ्लड गेट का एक सिमुलेशन या मॉडल बनाएंगे। इससे सोची हुई बात हम औरों को भी आसानी से समझा पाएंगे। वाह, अब मैं समझी आपकी बात। हमें सीखते रहना है और साथ में बनाते भी रहना है, और बनाते समय जब जहाँ जरूरत पड़े सीखते ही रहना है। हाँ बिल्कुल सही। तो चलो फिर बनाते हैं फ्लड गेट का मॉडल और करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग। फ्लड गेट बनाने की सारी जानकारी वीडू सॉफ्टवेयर में दी गई है। ये रहा फ्लड गेट का मॉडल। इसे बनाने में मुझे 20 मिनट लगे हैं और अब मैं आपको इसकी प्रोग्राम स्ट्रिंग बताऊंगी।
सबसे पहले मैं प्ले बटन के आगे मेन पावर मोटर ब्लॉक लगाऊंगी। अभी के लिए मैं पावर 1 पर सेट करती हूँ। पावर यानी शक्ति। मोटर द्वारा जितनी भारी वस्तु चलानी है या जितनी गति में चलानी है उसके अनुसार पावर बढ़ाई या कम कर दी जा सकती है। अब मैं एक एक्शन ब्लॉक लगाऊंगी जो तेज बारिश का चित्र दिखाएगा। मैं चाहती हूँ कि तेज बारिश के संकेत से दरवाजा खुल जाए, तो मैं मोटर घुमाने का ये ब्लॉक जोड़ूंगी और मोटर का टाइमर 2 सेकंड पर सेट कर दूंगी। फिर मैं साफ मौसम का चित्र जोड़ूंगी एक्शन ब्लॉक को जोड़कर। अगर मौसम साफ है तो मैं चाहूंगी कि मैं पानी बचाऊं। इसके लिए मैं फ्लड गेट को बंद रखूंगी और पहले से उल्टी दिशा में मोटर चलाऊंगी 2 सेकंड के लिए। दीदी, बन गया मॉडल, चले देखें। हाँ जरूर। अरे दीदी, ये चल क्यों नहीं रहा है? मोटर का पावर शायद कम पड़ रहा है। लो, मैंने इसे बढ़ाकर 2 पर कर दिया। अरे वाह, अभी चलने लगा। बहुत बढ़िया। दीदी, मुझे लगता है हमें इसमें एक सायरन जैसा साउंड भी जोड़ना चाहिए, ताकि जब फ्लड गेट खुले तो आसपास रहने वाले पशु एवं मनुष्य को आने वाली पानी से सतर्क कर सके। वाह दीदी, बधाई हो। अब तुम डिजाइन थिंकिंग के बारे में सोच विचार भी करने लगी हो। ऐसे ही करते रहना। तुम्हारी मदद करने के लिए लेगो ने एक खास साइंस लैब का निर्माण किया है। वहाँ तुम्हें मिलेंगे मिया और मैक्स। उन दोनों के साथ तुम और डिजाइन थिंकिंग कर सकोगी और नए नए प्रोजेक्ट और मॉडल्स भी बना सकोगी। थैंक यू दीदी। अब मैं और भी प्रोजेक्ट बनाऊंगी और आपके और मेरे दोस्तों साथ शेयर भी करूंगी। जरूर। ऑल द बेस्ट। हमारी अगली मुलाकात में हम जानेंगे एक नए किट के बारे में, जिससे तुम्हारे खेलते खेलते समझने और समाज में बदलाव लाने की जर्नी बरकरार रहेगी।